तो कैसे हैं आप? सो बेसिकली आज का हम लोग का प्लान है, सबसे पहले जाना है हम लोगों को शृष्टि पार्क। और शृष्टि पार्क जाते समय ही रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण सा टेंपल मिलता है, बहुत अच्छा और काफ़ी फेमस है वो यहाँ पे दुमका में, तो उसका नाम है साई टेंपल। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास चलते हैं, वहाँ से हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। भीमराव अम्बेडकर जो हमारे लिए बहुत ही लड़े थे, तो छोटी जाति वाले लोगों के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो ये सच में रिस्पेक्टफुल आदमी हैं और हमें इनका रिस्पेक्ट हमेशा करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम लोग दुमका के मेन पॉइंट में हैं, जिसको हम लोग डीसी मोड़ कहते हैं, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे साई मंदिर। ये बहुत पीसफुल जगह है, सच में मैं अपने फ्रेंड को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया हूँ बहुत ही पीस मुझे मालूम पड़ रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो साई नाथ है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, और आप लोगों को भी अच्छे लग रहे होंगे आई होप। ये मंदिर बहुत ही पीसफुल है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और कुछ बात हम अपने फ्रेंड से करते हैं कि उनको इसके बारे में क्या मालूम है, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पर बहुत ही आनंद मुझे लग रहा है। तो कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि अगर आप यहाँ पर आएंगे बृहस्पतिवार के दिन तो आपको दर्शन भी मिलते हैं, तो क्या सच बात है? सच बात है, क्योंकि ये रात के समय में बाबा साईनाथ का दर्शन होता है और बहुत लोगों ने भी देखा है। यहाँ लिखा हुआ वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार, मुझे ये मालूम नहीं चल रहा कि ये एक्चुअली में क्या है, लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है जिसे झारखंड सरकार ने प्रमोट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है अगर वृक्ष ना लगाओगे, जीव जंतु को ना बचा पाओगे, कलकंठी कोकिल की कुख कहाँ सुन पाओगे, और ये जो है हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है ऐसे लग रहा है। ये डायनासोर के ऊपर मेरा फ्रेंड एक चढ़ेगा और वहाँ से कूदेगा, तो उसको मन कर रहा है पता नहीं क्यों। और जगह है जहाँ पर आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, जिसका नाम है बूट हाउस, मतलब शू हाउस। वहाँ पर आपको लिए चलते हैं और वहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, आई एम श्योर अबाउट। हेलो गाइस, ये है हमारा बूट हाउस का एंट्री हाउस, तो चलते हैं यार बूट हाउस के पास। में टावर चौक का नजारा ना होता, पोखरा चौक पे
कुंवारा ना होता तो आज दुमका का लड़का एक भी आवारा ना होता। तो जैसा कि आपका दिखा कि बूट हाउस तो अंदर से बंद है तो अंदर घुस नहीं पाएंगे सुशील प्लस शांति जो हमारे देश में अक्सर होता रहता है। यहाँ पे बच्चों लोग का मनोरंजन भी हो जाता है और माँ का दर्शन भी हो जाता है। मंदिर प्रांगण में है और ये जो मंदिर है जस्ट सटा हुआ है हमारे सृष्टि पार्क से, तो यहाँ के कुछ भगवान के साथ मैं आपका दर्शन करा देता हूँ, आप प्रणाम कर लीजिएगा। हर हर महादेव। चल रहा हूँ घर और आज मैं ब्लॉग अपना यहाँ पे ख़त्म करूँगा। बहुत गर्मी है आज, 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे है यहाँ का टेम्परेचर और सच में सनटैन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो बिल्कुल लाइक करें यार, मतलब बहुत मेहनत लगती है। मैं कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी ना करें, बहुत ही रेयर केस में आप डिसलाइक करें जब आपको वीडियो बहुत ही गंदी लगी हो, क्योंकि डिसलाइक करने से हमारा मनोबल जो होता है वो पूरा पूरी गिर जाता है। मतलब प्लीज़ थोड़ा सोचिएगा इस पर।